हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन कंपटीशन पॉइंट में। दोस्तों, आज है 13 मई 2020 और आज के जितने भी करंट अफेयर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, करंट अफेयर आपको समझ में नहीं आते हैं, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको शॉर्ट भी देता हूँ, आप सारे करंट अफेयर सीख जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है इन्हें याद करना, ट्रिक भी बताऊंगा कैसे याद करते हैं और खुद भी याद आपको कराऊंगा साथ साथ। दोस्तों, अगर आप करंट अफेयर मेरे रोज देखते हैं तो आप उन्हें नोटबुक में नोट कर लिया करें। ठीक है, आप जैसे मेरे करंट अफेयर देख रहे हैं, आप डेली देख रहे हैं, और एक टारगेट बनाइए कि आपने कोई नोटबुक ले ली, लगभग उसमें 300 पेजेस हैं। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आपने एक नोटबुक ली उसमें 300 पेजेस हैं, टारगेट बनाइए कि जब तक ये भरे आपको तब तक एक एग्जाम जो आपका टारगेट है वो आपको पार करना है, वो एग्जाम आपको क्रैक करना है। ये टारगेट बना लीजिए मेरे साथ। ठीक है, तो जैसे आपने नोटबुक ली 300 पेजेस की, अब आप उसमें करंट अफेयर्स लिख रहे हैं। आपने आज 13 मई के करंट अफेयर लिखे, सोच लो आपने लास्ट 8 मई के भी करंट अफेयर लिखे थे, तो आज आप 13 मई के करंट अफेयर लिख रहे हैं। आप एक काम कीजिए, पीछे कोई भी पेज पलटिए, माना आपने 8 मई का पेज पलटा, तो आप 8 मई के रिवाइज कर लो। फिर आप आगे चले, आप 20 मई को पहुंच गए, 20 मई में आपने 15 मई के रिवाइज कर लिए। आपके पास टाइम बचा, आपने 16 के भी कर लिए, और टाइम बचा आपने 14 के भी कर लिए। ठीक है, इस तरह आपने ये रिवाइज कर लिए। तो जैसे जैसे आप इन्हें रिवाइज करते चलेंगे वैसे वैसे आपको ये बेनिफिट मिलता चलेगा कि आपको ये याद होते जा रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों जो मैं टारगेट बनाने का आपको तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल सही तरीका बता रहा हूँ, आप सच में सक्सेस से ज्यादा दूर नहीं रह पाएंगे। इस तरीके से पढ़िए, आपने एक नोटबुक बनाई और सोच लो कि जब तक ये मेरी करंट अफेयर से भरेगी तब तक मुझे एक एग्जाम क्लियर करना है। तो करंट अफेयर पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया, डेली मेरे साथ पढ़ो। और फिर लास्ट में जैसे मंथ का लास्ट आया, अभी जैसे मई चल रहा है, तो मई के लास्ट में मैं आपको टॉप पहले 200 क्वेश्चंस की वीडियो दे दूंगा, और उसके कुछ दिन बाद 5 या 6 दिन बाद आपको टॉप 100 क्वेश्चंस की भी वीडियो दे दूंगा। इनसे अलग आपको कहीं से भी करंट अफेयर नहीं पूछे जा सकते, ये मैं इतनी शॉर्ट ही देता हूँ। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स को भी बता दो कि पढ़ने का तरीका चेंज कर लेते हैं, इस तरह पढ़ते हैं। एंड अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है तो मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि सर जो आपने ये तरीका बताया बहुत अच्छा है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार, दोस्तों अभी एक रिपोर्ट पेश की गई है, उसमें भारतीय सुंदरवन में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। दोस्तों ये भारत में जो सुंदरवन है कहां पर है आप जानते हैं? चलो ठीक है, अगर नहीं जानते मैं बता दूंगा। तो इसमें बाघों की संख्या जो बढ़कर है वो 96 हो गई है, ऑप्शन डी 96 हो गए हैं हमारे भारत में सुंदरवन में बाघों की संख्या। दोस्तों पहले जो थे 88 बाघ थे, लेकिन अभी 8 और बढ़ गए हमारे पास, तो लगभग 96 बाघ हमारे पास सुंदरवन में हो गए हैं। अच्छा, अब मैंने आपसे पूछा सुंदरवन है कहाँ, कहाँ पर है सुंदरवन? दोस्तों सुंदरवन है कोलकाता, मतलब पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में जो कोलकाता है वो क्या है, वो इसकी कैपिटल है। क्या है? वो इसी की कैपिटल है। अच्छा, अब इसकी सीएम कौन है पश्चिम बंगाल की? वो है ममता बनर्जी। ठीक है दोस्तों, ममता बनर्जी। एंड और इसके बारे में मैं बताऊं तो, अच्छा कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है वो आपको पता है, हुगली नदी के किनारे। ठीक है, हुगली नदी के किनारे, ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था करंट से, हुगली नदी के किनारे कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। लंदन कौन सी नदी के किनारे स्थित है आप मुझे बताइए, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? टेम्स। कौन सी नदी? टेम्स नदी। ठीक है, तो इसी तरह एक क्वेश्चन है, नई दिल्ली, दिल्ली में से कौन सी नदी है जो फेमस नदी है, कौन सी नदी है दिल्ली में? यमुना नदी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, जो भी एडिशनल जानकारी है सब इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार नियमित एकल जज पीठ कब से सुनवाई करेगी? दोस्तों इसको इंग्लिश में बोला जाता है रेगुलर सिंगल जज बेंच। क्या बोला जाता है? रेगुलर सिंगल जज बेंच। ये कब से सुनवाई करेगी? दोस्तों ये क्वेश्चन इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई एकल जज जो पीठ है वो सुनवाई करने जा रही है। दोस्तों इसका सही आंसर है 13 मई, ऑप्शन ए जो 13 मई है। तो 13 मई मतलब आज से ही ये शुरुआत करने जा रही है। दोस्तों पेंडिंग केस को जल्द निपटाने के लिए 13 मई से ये सिंगल जज की बेंच सुनवाई करेगी, जो पेंडिंग केस हमारे चल रहे हैं उन्हीं को खत्म करने के लिए, क्योंकि बहुत लंबे मुकदमे हमारे जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं, हमारी जो कोर्ट्स हैं, जो हमारी
ये प्रणाली है न्यायात्मक प्रणाली, इसमें बहुत सारे केस लंबित पड़े हैं उन्हीं को सुलझाने के लिए ये सिंगल बेंच सुविधा शुरू हुई है। और यहाँ डिवीजन बेंच यानी कम से कम दो जजों, जो जजों की बेंच हो रही है ठीक है, लेकिन अब नई व्यवस्था लागू कर दी गई है जो पहले थी, लेकिन अब इसमें क्या कर दिया गया है सिंगल बेंच में, सिंगल जज बेंच जमानत और अग्रिम जमानत से जुड़ी उन याचिकाओं की सुनवाई कर पाएगी जिसमें 7 साल से कम सजा का प्रावधान है। कंडीशन दी गई है 7 साल से कम सजा का जिसमें भी प्रावधान है उनको सिंगल जज वाली जो पीठ है वो सुनवाई कर सकती है, ये ऐसा नियम बना दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये एक कदम केसों की अधिकता के चलते उठाया गया है, मतलब जितने ज्यादा केसेस हैं उनको सॉर्ट करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए। और पिछले साल नियमों में बदलाव हुआ था जो सिंगल जज बेंच थी 7 साल तक की सजा के मामले में जमानत या अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, लागू कराया गया है 13 मई से। अभी तक ऐसे मामलों में 2 जजों की बेंच सुनवाई करती थी अभी मैंने बताया था, लेकिन अब पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने नियमों में बदलाव कर सिंगल जज बेंच को मंजूरी दे दी। सीजीआई जस्टिस कौन है हमारे, सीजीआई जस्टिस एस ए बोबड़े, आप जानते होंगे जस्टिस एस ए बोबड़े ने बुधवार 13 मई से सिंगल जज की बेंच की शुरुआत करने का फैसला लिया है। हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, एस ए बोबड़े, उन्होंने ये फैसला लिया है कि 13 मई से अब सिंगल सुनवाई की जाएगी। दोस्तों एस ए बोबड़े से पहले कौन थे, तो रंजन गोगोई ठीक है, कौन थे रंजन गोगोई। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने मिशन सागर शुरू किया है, दोस्तों मिशन सागर शुरू किया है किसने किया है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत, इंडिया ने ही शुरू किया है। दोस्तों अगर बात की जाए ये भारत ने शुरू किया है तो भारत में ये किसने किया है, इंडियन नेवी, हम एक बात कर लेते हैं इसमें भी पर्टिकुलर इंडियन नेवी ने, इंडियन नेवी ने जो उनका INS है, आप जानते हैं INS क्या है, एक हमारा पोत है जहाज है और उसका नाम है केसरी, जो INS केसरी है ये मेडिकल से रिलेटेड सामान, जरूरी सामान जो भी एसेंशियल चीजें हैं ठीक है, उन सब की डिलीवरी करेगी, उन सबको सप्लाई करेगा, कहां पर, जो 5 देश हैं। अब ये 5 देश कौन से हैं, ये 5 देशों में इन सब जरूरी चीजों की सप्लाई करेगा और समुद्र के रास्ते, इसी का नाम दिया गया है मिशन सागर। अब ये 5 देशों के मैं नाम बोल रहा हूं आप सुनते रहिए और नोट डाउन कर लीजिए, सेशल्स, मालदीव, मॉरिशस, कोमोरोस एंड मेडागास्कर, ठीक है दोस्तों 5 मैंने बता दिए हैं और ये इंडियन नेवी ने, अगर पर्टिकुलर बात की जाए इंडियन नेवी एंड अगर कंट्री पूछी जाए तो भारत, हमारा देश इंडिया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 काफी दिलचस्प क्वेश्चन है तो समझना इसको, हाल ही में किस देश ने 10 मई को सैन्य अभ्यास के दौरान गलती से अपनी ही जगह पर मिसाइल चला दी जिससे 19 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। दोस्तों क्या हुआ, वहां की जो सैन्य ताकत है, जो सेना है वो अभ्यास कर रही थी और किस चीज का, मिसाइल का, और वो गलती से उन्होंने अपनी ही जगह पर चला दी। एक नई एंटीशिप मिसाइल के परीक्षण हो रहा था और ये 10 मई को हादसा हो गया, इस देश का नाम है ईरान। दोस्तों क्या थी, एंटीशिप मिसाइल, इसकी टेस्टिंग चल रही थी। ओमान की खाड़ी में चल रहे इस परीक्षण के दौरान मिसाइल सैन्य उपकरण ले जाने वाले कोणार्क नाम के जहाज से लाइट सपोर्ट से टकराई, जो कोणार्क नाम का जहाज है उसकी लाइट सपोर्ट से टकरा गई और ओमान की खाड़ी में ये परीक्षण चल रहा था, तो यह सैन्य अभ्यास हार्मुज स्ट्रेट के पास हो रहा था। मिसाइल को युद्धपोत जामरान से छोड़ा गया था, क्या नाम था, जामरान, एंड इसको जो जब छोड़ा गया, टारगेट प्रैक्टिस के दौरान जहाज मिसाइल के संपर्क में आया क्योंकि उस दौरान टारगेट और जहाज के बीच की दूरी का ध्यान नहीं रखा गया था, इसी वजह से टकरा गया इससे। इसका सही आंसर है ईरान, बात हो रही है ईरान की। ईरान के राष्ट्रपति का क्या नाम है, हसन रूहानी, क्या नाम है, हसन रूहानी। एंड ईरान की कैपिटल की बात की जाए तो क्या है, तेहरान, और मुद्रा क्या है, ईरानी रियाल, क्या नाम है, ईरानी रियाल, ठीक है। दोस्तों सारी मैंने आपको डिटेल समझा दी, एडिशनल जानकारी इसीलिए देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, हाल ही में कौन दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता बन गया है। दोस्तों स्मार्ट वॉच आप जानते हैं, जो स्मार्ट वॉच होती हैं जिन्हें हम कॉलिंग की सुविधा दी जाती है जिनमें और आपकी बहुत सारे एडिशनल फीचर दिए जाते हैं, एक तरह से बिल्कुल स्मार्ट वॉच, तो इसका सही आंसर है एप्पल, ऑप्शन ए। एप्पल ने सबसे ज्यादा यूनिट्स बेची हैं स्मार्ट वॉचेस की, और कितनी बेची है, लगभग 76 लाख यूनिट, ठीक है दोस्तों।
उसके बाद की बात की जाए तो सैमसंग दूसरे नंबर पर आता है। सैमसंग जिन्होंने लगभग 19 लाख से थोड़ी ज्यादा बेची है अपनी यूनिट्स स्मार्ट वॉच की। तो सबसे नंबर वन पे कौन आता है? एप्पल, और सेकंड पे आता है सैमसंग। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है एप्पल में और सैमसंग में। एप्पल कहां की कंपनी है आप मुझे बताइए, और सैमसंग कहां की है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाई थी एप्पल और सैमसंग के, मैंने सीईओ वगैरह सब कराए थे, अगर आपने वो देखिए तो आपको जरूर याद होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है दोस्तों, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, ठीक है, के प्रमुख के रूप में नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? जो हॉकी के अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ है उसके प्रमुख है नरेंद्र बत्रा, उनका जो टाइम पीरियड है, जो कार्यकाल है, उसको बढ़ा दिया गया है दोस्तों। कब तक के लिए? मई 2021। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नवंबर 2016 में इनको अध्यक्ष चुना गया था एफआईएच का, किनको? नरेंद्र बत्रा को, और इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है क्योंकि सालाना कांग्रेस कोविड-19 महामारी के चलते स्थगित कर दिया है, जो एक साल का उनका जो इलेक्शंस होते हैं वो सब खत्म कर दिए हैं, और इसीलिए अब एक साल का कार्यकाल इनका और बढ़ गया है मई 2021 तक के लिए। और एफआईएच कार्यकारी बोर्ड की ऑनलाइन बैठक 8 मई 2020 को हुई थी, और इसमें इसकी जो अगली बैठक है जो इसकी कांग्रेस है उसको स्थगित करने का फैसला लिया गया था। दोस्तों दुनिया भर में कोविड-19 महामारी के कारण कांग्रेस स्थगित करने का फैसला जो एफआईएच कानून की धारा 12.21 के अंतर्गत आता है, इनका एक कानून है एफआईएच कानून, और उसी में 12.1 के अंतर्गत ये फैसला लिया गया कि इस कांग्रेस जो उनकी अगली इलेक्शन है जो इसमें चयन करना था वो टाल दिया जाए, और इस बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल अक्टूबर 2020 तक समाप्त होना था जिसे मई में होने वाली कांग्रेस तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अक्टूबर 2020 तक ये खत्म होना था इनका कार्यकाल, और अभी से जो अगली कॉन्फ्रेंस होगी इनकी मई 2021 में, तब तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। एक साल में होती है इनकी, हर बार होती है, इसीलिए अब इसको बढ़ा दिया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सात है दोस्तों, हाल ही में नाबार्ड, क्या है नाबार्ड? अगर पता है तो आपको बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अभी मैं आपको बता देता हूं। नाबार्ड ने किसानों और जरूरतमंदों को कर्ज देने के लिए राज्य सहकारी जो बैंक होते हैं स्टेट सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कितने करोड़ रुपए वितरित किए हैं, मतलब कर्ज देने के लिए कितने करोड़ रुपए वितरित किए हैं? इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, 12,767 करोड़। अब आप पूछेंगे ऐसे क्वेश्चन मैंने क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि नाबार्ड के बारे में आपको इसकी सारी डिटेल दे देता हूं, सब कुछ मैं बता दूंगा। दोस्तों नाबार्ड का मतलब क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या नाम है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। एंड इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए तो कहां है हेडक्वार्टर? मुंबई में। ठीक है दोस्तों, तो ये इसलिए मैंने इसीलिए क्वेश्चन डाला ताकि आपको ये सारी चीजें भी याद हो जाए। कब हुई थी इसकी फॉर्मेशन? 1982 में, और इसके जो हेडक्वार्टर वो कहां है? मुंबई में। और इसीलिए इन्होंने कर्ज देने के लिए 12,767 करोड़ रुपए राज्य सहकारी बैंकों और ग्रामीण बैंकों को वितरित किए हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आठ, हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी दिवस मतलब नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया गया है? बात हो रही है राष्ट्र की तकनीकी दिवस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 11 मई। 11 मई को ये मनाया गया है। इस दिवस को पूरे भारत में 11 मई 1998 को क्या हुआ था? 11 मई 1998 को अगर आपको याद है, आपने एक मूवी भी देखी होगी पोखरण, तो जो पोखरण में किया गया शक्ति एक का परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण था, उसी की याद में राष्ट्रीय तकनीकी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों जो 11 मई 1998 में हमने अपनी मिसाइल टेस्ट की थी शक्ति 1 परमाणु मिसाइल, उसी के पोखरण जो पोखरण में की थी उसी की याद में ये मनाया जाता है। इस परीक्षण को पोखरण 2 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, एंड जबकि पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। क्या था पहले परमाणु परीक्षण कोड का नाम? स्माइलिंग बुद्धा। क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए स्माइलिंग बुद्धा क्या था, किस चीज का परमाणु कोड था, या स्माइलिंग बुद्धा क्या था, डबल डी आएगा यहाँ पे, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा, तो हम कह सकते हैं पहले परमाणु परीक्षण का ये कोड था, और जिसे कब किया गया था? 1974 में। और पोखरण वाला कब हुआ था? इसका नाम पोखरण 2। एंड इन परमाणु परीक्षणों के बाद अमेरिका और जापान सहित कई बड़े देशों ने इंडिया पर प्रतिबंध लगा दिए थे। आप जानते हैं ना, जब भारत ने टेस्टिंग कर ली थी, अमेरिका और जापान ने काफी सारे पाबंदी लगाई भारत पे। इस सर्च ऑपरेशन का संचालन पूर्व राष्ट्रपति और एरोस्पेस इंजीनियर
अब्दुल कलाम ने किया था। आप जानते हैं पूर्व राष्ट्रपति थे भारत के एपीजे अब्दुल कलाम और एरोस्पेस इंजीनियर थे, उन्होंने इसका संचालन वो किया था, पूरा संचालन ऑपरेशन का अंजाम दिया इसको। और इसके बारे में अगर परमाणु क्लब में शामिल होने वाला दुनिया का छठा देश बन गया था। तब क्या हुआ था, जब परमाणु क्लब हुआ था उसमें सिक्स कंट्री बन गया था इंडिया शामिल होने वाला। और 11 मई 1998 को यह किया गया था पोखरण 2 के नाम से, इसीलिए ये राष्ट्रीय तकनीकी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, SBI जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, तो इसके ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ थी इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया। एंड SBI जनरल इंश्योरेंस ने क्या किया है, 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का कवर इंश्योरेंस देगी आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस के अंतर्गत। कौन देगी? ये देगी SBI जनरल इंश्योरेंस। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है बिल्कुल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा अभी आपने न्यूज़पेपर भी पढ़ा होगा, तो अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है तो ये न्यूज भी आपको याद होगी। ठीक है, वैसे तो आपको सारे क्वेश्चन ही न्यूज़पेपर में मिल जाते हैं, लेकिन काफी सारे ऐसे होते हैं जो नहीं भी मिलते, जो अलग से होते हैं, किसी पेपर में छप जाते हैं किसी में नहीं छपते। हम तो सबको कंपाइल करते हैं, ठीक है, हम तो सबको लिखेंगे फिर कंपाइल करेंगे, उस तरह से हम एक वीडियो आपके लिए तैयार कर लेते हैं। ठीक है, सोर्सेस काफी सारे हो सकते हैं हमारी वीडियो में, इंटरनेट हो सकता है, बुक्स हो सकती है, ठीक है, मतलब डेली बुक्स जो करंट अफेयर्स हो सकते हैं और न्यूज़पेपर हो सकते हैं, टीवी चैनल्स हो सकते हैं, काफी सारे सोर्सेज हैं जिससे हम ये वीडियो तैयार कर रहे हैं। अब दोस्तों बात आती है इस क्वेश्चन पे, हाल ही में महिला पैरा एथलीट दीपा मलिक ने संन्यास लिया है, अभी एक कल पेपर में थी, तो महिला पैरा एथलीट जो थी दीपा मलिक उन्होंने संन्यास लिया, वह इनमें से किस सम्मान को पाने वाली पहली महिला बनी है? पहली महिला थी, मतलब पहली महिला थी जिन्होंने सबसे पहले सम्मान पाया था, वो था खेल रत्न, सबसे पहले खेल रत्न जीता था दीपा मलिक ने। ये एक पैरा एथलीट थी और दीपा ने देश के लिए पैरा ओलंपिक में मेडल हासिल करने वाली पहली महिला खिलाड़ी थी। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया PCCI का अध्यक्ष बनने के लिए उन्हें खेल को अलविदा कहा है। नेशनल स्पोर्ट्स कोड के मुताबिक एक सक्रिय एथलीट किसी भी फेडरेशन में आधिकारिक रूप से पद पर नहीं रह सकती। ठीक है, इसीलिए इसी नियम का हवाला देते हुए मलिक ने संन्यास ले लिया और पैरालंपिक कमेटी PCI का अध्यक्ष बनने के लिए उन्होंने ये संन्यास लिया है। दीपा को पद्मश्री भी मिल चुका है, उन्हें पिछले साल खेल दिवस के मौके पर देश का सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न मिला था। ठीक है, तो कब मिला था, पिछले साल जब खेल दिवस था उसी दिन इनको खेल सम्मान मिला था, सबसे बड़ा देश का, उस देश का नाम है खेल रत्न। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, तो और मैथ्स की वीडियो देखनी है तो उसकी भी सीरीज अलग से चल रही है, कोरोना वायरस के में भी हमने अपनी क्लास शुरू कर दी है, परसेंटेज जिस पर आपका आधा मैथ डिपेंड करता है, आपके काफी सारे चैप्टर डिपेंड करते हैं, वो मैंने शुरू किया है, हमारी टीम ने शुरू किया है, स्क्रिप्ट मतलब सही से सवाल देना, अच्छी तरह से बताना, फिर उसको कैमरे के सामने बताना तो इतना आसान भी नहीं होता, इसीलिए वीडियो 1 डाल दी है, वीडियो 2 कल आ जाएगी और ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, आप पूरी सीरीज देखना। ऐसा नहीं है परसेंटेज सिर्फ 1 घंटे में खत्म हो गया, 2 घंटे में खत्म हो गया, वो एक बच्चों के काम है, आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है, एग्जाम देना है, तो बेहतर है शॉर्टकट ना मारें, इसीलिए बिल्कुल इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आपको परसेंटेज बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, मतलब अच्छा पढ़ाऊंगा, अगर आपको ज्यादा धीरे लग रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा स्किप करके आगे जा सकते हैं, तो आपके लिए ऑप्शन है ना, तो इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कल तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना।